सैकड़ा को क्लोज कर दे तो लॉन्ग है। जी सर तकरीबन 7 साल हो गए। 7 साल हो गए जी। हमें आप काफी के बारे में हमें ये बताएं कि ये जो हम मंदिर देखने आए हैं जी, ये हमें बताएं कि इनके कितना कितना अर्सा हो गया। ये सर कबले मसीह की हिस्ट्री है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को 300 साल पहले की। अच्छा। तो उनका ये मुतबरक जो है जगह है हिंदू लोगों की, उनका ये मेन टेम्पल है जिसके अंदर वो पत्थर पड़े हुए जिसकी पूजा पाठ करते हैं। शिव महाराज का ये मंदिर कहलाता है। इसके अंदर ऊपर भजन पढ़ते हैं, नारियल तोड़ते हैं, दूध डालते हैं। तो एक मेन उनकी ये लाइक है आंसुओं की झील कहलाती है, जिसके ऊपर यानी कि वो अपने आप को पाक करते हैं, स्नान करते हैं इस पानी में जब वो आते हैं। तो इसके पानी की सफाई हो जाती है। ये उनका मतबरक चश्मा है कि जो शिव महाराज था उसकी बीवी का नाम सती था, जब वो मरी तो उसके गम में इतना रोया कि आंसुओं की झील बनी, इसलिए ये उनका मतबरक चश्मा है। इस तरह 7-12 दरी है, वो लाइब्रेरी है और रामचंद्रा टेम्पल है। एक हनुमान का है वो जो बंदर की शक्ल का था, उसकी एक हवेली है। उसने शिव महाराज का साथ दिया था, रामचंद्र और शिव महाराज की आपस में लड़ाई हुई तो शिव महाराज जीता, तो उस वो बादशाह बना कटास का। तो एक ब्रिटिश दौर की हवेली है जो पुलिस स्टेशन की बिल्डिंग कहलाती है। तो एक अबू रिहान अलबरूनी की यूनिवर्सिटी है जहाँ अबू रिहान अलबरूनी ने स्टे किया था, उसने किताब अलहिंद लिखी थी किटास में बैठ के, जो हिंदू लोगों की थी वो ओल्ड यूनिवर्सिटी थी। और इसी तरह हरि सिंह नलवा हवेली है, सिख पीरियड की तमीरात है। उनका एक जर्नैल था राजा रंजीत सिंह, वो उसकी तमीरात है। सिखों ने तकरीबन 50 साल अरसा गुजारा था किटास में। तो एक ऊपर सबसे बड़ा मंदिर है सतगढ़ा का, पांडुओं और कौरों की जब जंग हुई तो पांडु ब्रदरान जीते, वो उनकी तमीरात है सतगढ़ा का मंदिर। मेन चीजें उनकी तीन हैं, एक ये आंसुओं वाली झील, एक ये पत्थर है शिव महाराज का जिसको शिवलिंग कहते हैं, एक मैरिज हॉल है जहाँ वो शादियां करते हैं। ये दुनिया में दूसरे नंबर पे उनकी इबादत गाह है किटास राज। तो आइए आपको ये पहले ये दिखाते हैं। ये और ये इंडिया से कितने लोग हर साल आते हैं? इंडिया से सर तकरीबन 200-300 अप्रैल के महीने में 300 लोग आते हैं जी। तो जो मार्च के महीने में आते हैं वो लोकल पाकिस्तान से आते हैं, जो मार्च के महीने में आते हैं। ये सर उनका मेन मंदिर है जिसके ऊपर भजन पढ़ते हैं, नारियल तोड़ते हैं, दूध डालते हैं, यानी कि जो कुछ मांगते हैं इसी पत्थर से मांगते हैं। ये जो इतना डीप है तो वो कैसे नहाते थे इसमें? 300 फुट डीप हिस्ट्री के मुताबिक। वो तो और जो आए हैं उन्होंने कई इधर से डेड बॉडी निकाली है, वो कहते हैं कि 150 फुट है तकरीबन।
अच्छा। तो बाद बात कई दफा देखा है जो लड़के तैराक होते हैं वो भी डूब के मर जाएंगे इस पानी में जी। अच्छा, निकलते नहीं बाहर? नहीं, क्या वजह? तैराक सर डीप में चले जाते हैं ना, सांस रुक जाती है, ऊपर से छलांगे लगाते हैं वो जो बिल्डिंग के सामने। कोई वाक के सामने के सर हमारे हर साल एक दो लड़के हुए अभी तक, हमें भी 7 साल हो गए इधर, तकरीबन 6 जो केस है वो हो चुके हैं। इसके अंदर बहुत बड़ी फिश है जिसका नाम ग्रास कटर है, एक गुलफाम नस्ल है जो पैदाइश करती है, तो एक जो है वो सिर्फ बड़ी होती है, उसका अभी भी वजन 8-10 kg वजन हो गया है। तो ये जितना बार गैस आया हुआ है ये फिश काट रही है उसका जी, अभी उधर से ऊपर से भी नजर आती है, अभी थोड़े वो धूप नहीं है ना, मच्छी जो है वो नीचे गई हुई है, तो धूप के बाद जो है वो ऊपर आ जाती है, जब ज्यादा गर्मी बन जाए ऊपर आती है ये नजर, दूर से नजर आती है। एक आदि है कि काफी ज्यादा तादाद है सर? तकरीबन 400-500 दाना है जी इस पानी। ये डिपार्टमेंट ने खुद टैंक की है, झील की सफाई करती है, जितने ये बूटी घास आए हुए हैं ना, बल्दिया के आदमी आते हैं TMO के, वो इधर से निकालते हैं बूटी बार, इसको जो है सफाई हो जाती है इसकी बिल्कुल। फिर इसको सूखा करके कंक्रीट करेंगे, वो जो पत्थर है सारी ये भी सुखाना है ना। इधर एक लड़का था मेरा दोस्त था, उसने और मैंने, सामने वाले जेल खाना है वो जो बिल्डिंग है, ये ब्रिटिश दौर का पुराना पुलिस स्टेशन है, ऊपर ये लाल वाली बड़ी बिल्डिंग है, ये पुलिस स्टेशन और वो जेल खाना है, वो जो पहाड़ी बिल्डिंग है सड़क के पार, अभी पोस्ट बनी है ना चौसठ और उधर उसने स्टे किया था, वो खंडरात बनी है, अभी उसका काम होना है। जितनी टेम्पल है ना सर ऊपर क्लोज है, इसलिए कि ठेकेदार लोग काम कर रहे हैं, रेनोवेट हो रहे हैं। ये सर इस पोर्शन में पुरानी है, उस दौर की चित्रकारी है, आगे डिपार्टमेंट निकल कर है। ये ओरिजिनल चित्रकारी है ना उस जमाने की, पुरानी पता चल रहा है, आगे जो है उसकी डिपार्टमेंट निकल कर है, निकल कर रहे आगे जी, अगले पोर्शन में। इसमें चूना दाने पर्सन वगैरह जितनी भी ये बिल्डिंग तक निर्माण कर रहे हैं ना, जितनी भी तुम्हारी गाड़ी किसकी है, किसकी है ये तस्वीर जो है? ये सर हनुमान की। ठीक है, इसके अंदर चूना दालें पर्सन वगैरह जो है ना मटेरियल जितने भी है ये ठेकेदार लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, दालें भी, चूना तो आपको पता है कि 40 साल तो बाद मजबूती पकड़ना शुरू करता है, इतनी मजबूत चीज है ये, जितनी बिल्डिंगे बनी हुई ये चूने की तमीरात है, और ये पत्थर है कंजोर, ये टिल्ला जोगिया से उस वक्त ये कहते हैं कि घोड़ों और खजूरों और ऊँटों के लिए हनुमान का टेम्पल है, इसके अंदर वो पुरानी ओरिजिनल भी चित्रकारी है, अभी डिपार्टमेंट जो नकल कर रहे हैं सर है। जो पुरानी थी ये भी उन्होंने नकल की है, तकरीबन 2-3 साल हो गए हैं, तो अभी इसकी जो है रिपेयरिंग उन्होंने की है, ये ऊपर वाले जो जितने भी हैं ये उन्होंने नए जो लग रहे हैं ये अभी उन्होंने रिपेयरिंग की है, तो ये पुरानी दीवारें हैं, तो ये अंदर से जो आपने देखा ये हनुमान का मेन मंदिर है जिसके वो पूजा पाठ करते हैं अंदर अभी भी ज़्यादा आते हैं, तो इसी तरह ये सामने पोर्शन जो बने हुए हैं ये उनके जो हाल थे, इसी तरह ऊपर जो पुरानी बिल्डिंग थी वो तो चली गई है, अभी उसकी ये नकल करेंगे, इसके ऊपर जो जितनी भी तमीरात है ये उसकी सफाई करेंगे, तो इसी तरह से ये इधर से सीढ़ियाँ जाती हैं
तो ये भी ऊपर दीवार थी, लेकिन इन्होंने अभी कब काम किया, इसके ऊपर भी इन्होंने अपना वो करना है, वो उधर भी ये सामने कमरे बने हुए हैं, तो इसके साथ तीन चार कमरे हैं सर, तो उनके अलग अलग पोर्शन बने हुए हैं। ये देखें ऊपर कोने में मूर्तियां हैं, ये सुर्ख स्टोन देखें सर पीछे से, ये सर ऊपर कोने में देखें उधर पीछे से है, वो तीन चार जो हैं जी। ये जब आते हैं सर पहले इसको इस तरह कर दें, कौन से वाले वो इधर वो इधर वो सर उधर पीछे से नजर आएंगे ना, वो ये कोने में देखें ऊपर से नजर आया वो मूर्तियां, हाँ हाँ वो वो गहराई इतनी है इसकी तो सर्दी जब पड़ जाए तो फिर वो नीचे जो सुनता है ना पानी में उधर चले जाते इतनी आबादी है सारे पानी में उनको वो पानी मिलता है, वो बात सीख लाइए। क्या नाम है? मंगला गांव है उनको। तो हिंदू लोग जब आते हैं उधर, वो सामने मैनिंग कॉलेज है उधर स्टे करते हैं, वो जो बड़ा वाटर टैंक है ना वही का, उसमें वो स्टे करते हैं, तीन दिन इधर स्टे करते हैं, महकमा कहा वाले का उनका अरेंजमेंट होता है, वो इधर रहते हैं। बड़ी रौनक होती है। हाँ जी, तीन दिन सर उनका वो मेला लगता है ना। नहीं तो जब अप्रैल में मेला लगता है तो हम भी आ सकते हैं? हाँ सर, नहीं दूसरे नहीं, सिर्फ हम लोग आते हैं, बाकी अंदर नहीं आते। तो सर हम तीन चार आदमी हैं जो ड्यूटी पर होते हैं, जो हमारी मर्जी है, कोई हमारे जानने वाले नहीं है, उसके अलावा कोई भी पाकिस्तान से कोई नहीं आ सकता। और भी सर इंटेलिजेंस उनका सिक्योरिटी बड़ी बहुत ज्यादा होती है। ये सर हरी सिंह नलवा हवेली है, सिख पीरियड की तमीरात है, उनका एक जर्नैल था राजा रंजीत सिंह, और उसकी उन्होंने तकरीबन 50 अरसों में ये किटास जो है उन्होंने हवेली तमीर करवाई थी, हरी सिंह नलवा हवेली, ये उनकी तमीरात है। इनका प्रोग्राम है कि इस हवेली में म्यूजियम बनाया गया सारे कदीमा वालों का, और इसी तरह ये साथ वाला स्टूप है इधर से, ये स्टूप है, ये अशोक आजम के जमाने की तमीरात है, ये डेयरी बनी हुई है ना जी जी। इसकी 200 फुट हाइट थी, कुछ अच्छा। गिर गया, कुछ जमीन में धंस गया, अभी हर साल आर्कियोलॉजी वाले आते हैं इसकी खुदाई करते हैं, कुछ सिक्के मूर्तियां वगैरह जो पुरानी चीजें निकलती हैं, इनका प्रोग्राम है कि इधर म्यूजियम बनाया जाए हरी सिंह हवेली में, जो विजिटर लोग आते हैं वो इधर म्यूजियम, और इस तरह ऊपर जो है वो व्हाइट वाला मंदिर है सबसे बड़ा, वो सतगढ़ का मंदिर है, पांडवों और कौरवों की जब जंग हुई तो पांडु ब्रदराम 12 साल अरसा में जीते, वो उनकी तमीरात है सतगढ़ का मंदिर। सतगढ़ का मंदिर पांडवों और कौरों की जब जंग हुई तो पांडु ब्रदराम जीते, ये उनकी तमीरात है, उन्होंने 12 साल अरसा में ये तमीर किया था सतगढ़ का मंदिर। तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा मूर्तियां थी, अभी भी एक दो स्टैचू बचे हैं, जब हमारी बाबरी मस्जिद पे हमला हुआ था इधर के लोकल गांव वालों ने यह तोड़ फोड़ दी, अभी इसकी ये रेनोवेट कर रहे हैं ठेकेदार लोग, कुछ जो है रिपेयरिंग इन्होंने ठीक की है, कुछ अभी तकरीबन शुरू हुआ है। तो सतगढ़ का मंदिर ये रेनोवेट कर रहे हैं, ये तो ये ओरिजिनल है ये जो, तो इसको जो बैक साइड में है उसकी ये इन्होंने ठेकेदार लोगों ने उसको रेनोवेट किया है, तो वो इधर से जाएंगे तो आपको उधर साइड से दिखाएंगे, वो भी बहुत एक अच्छी जो है ना टेढ़ी है। हमें भी तकरीबन इधर से 7-8 साल हो गए हैं, पदेशी भी हम इधर की हैं तकरीबन 30 साल हो गया, ये हमें टेढ़ी की टेढ़ी नजर आई है, तो इसकी बिल्कुल इतनी मजबूती है यानी कि चूने की चुनाई है कि अभी तक इसको पत्थर को कोई हिला भी नहीं सकता, ये टेढ़ी की टेढ़ी है, तो बहुत मजबूत चीज बनी है। अच्छा बनी टेढ़ी हुई है सर? है बनी तो सीधी है लेकिन बाद में ये हो गई, हम भी तकरीबन 25-30 साल उम्र है हमारी,
उस वक्त की जब जब हमने होश संभाली है उस वक्त की ये हम देख रहे हैं कि ये टेढ़ी टेढ़ी है, गिरी नहीं है, यानी कि इतनी ये मजबूत चीज है। उन्होंने ये मजबूत बनाई ये चूने की चूना दालें पटसन वगैरह जो है अभी भी इसमें हजार लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। चूना तो पता है कि एक मूर्ति है, ये देखें ये निकोले ने बनाई है, इसको रेनोवेट किया है ये सामने वाली, तो अभी इसको ये रेनोवेट कर रहे हैं ठेकेदार। ये जो ओरिजिनल थी उसके ऊपर नकल की है, ऊपर पुराने आसार है। अच्छा, हिंदुओं के वेले के हैं, बर्तानिया के दौर के भी मिलते हैं, तो अभी भी जब इस पहाड़ी के ऊपर जाएं तो हमें आसार मिलेंगे पुराने, जहाँ कुछ दौर में लोग वबस्ता थे पुराने। नजर आ रहा है ना गुम्बद सा इस पुलिस स्टेशन के बैक साइड में जी। वो उनका एक मेन मंदिर है, जब हिंदू लोग आते हैं इधर शादियां करते हैं हर साल। इस बार भी जब वो आए थे तो तकरीबन उन्होंने 14-15 शादियां की थी, तो वो उनका एक मेन मंदिर है, जो उनके पंडित साथ आते हैं, वो साथ फेरे लगाते हैं, तो उसमें वो अपना शादी वगैरह करते हैं। इसी तरह ये पहाड़ इसकी पीछे किसी बाउंड्री की जो आप बड़ा थोड़ी है जितना बड़ा नहीं है, तकरीबन मेरे ख्याल में 260 कनाल है। वो वाली गारे सर जो आपको बताई है उनके भी कैमरा जरा लगा, पुरानी गारे हैं उसी दौर की जहाँ वो चिल्ला वगैरह काटते थे, वो सामने पहाड़ी में बनी हुई है। अभी भी जब वो आते हैं उनके सामने छोटे छोटे वो बोल जरोगे बने हुए हैं, उसको समाधि बोलते हैं, उसमें वो राख लेके आते हैं। ये तो आपको पता है कि हिंदू लोगों की जब डेथ हो जाती है उनको साड़ते हैं जलाते हैं, अभी भी जब वो आते हैं इंडिया से तो उधर से राख लेके उनमें डालते हैं, वो भी उनके मुकद्दस पॉइंट है। और वो जो गारे हैं वो उसमें अपने चिल्ला वगैरह तपस्या निर्माण करते हैं।
मेहमान है यार।